वैसे तो काफी सारी जगह थी पढ़ने की भाई, बट हम पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज में। अपना बैग रख दिया अपनी। सो अभी 2:30 हो गए हैं एंड 2.5 घंटे पढ़ लिया हूँ मैं, तो अभी 20 मिनट का ब्रेक लूंगा मैं एंड थोड़ी वॉकिंग करूँगा। तो IIT दिल्ली में 3 जगह हैं पढ़ने के लिए, एक तो सेंट्रल लाइब्रेरी जिसमें मैं पढ़ रहा था अभी, एंड उसके अलावा यहाँ पे भी जाते थे हम कंप्यूटर सर्विस सेंटर पे, एंड तीसरा मैं यहाँ पे भी आ जाता था कभी कभी CCD में। यहाँ पे CCD है एंड उसमें भाई कितनी भी देर तक बैठ के पढ़ सकते हैं। उसके आगे एक्सॉल कहते हैं, दिखाता हूँ। तो दिस इज एक्सॉल भाई। वैसे तो काफ़ी सारी जगह थी पढ़ने की भाई, बट हम पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज में वो बात अलग है। अब एल्यूमिनाई ओके पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, कुछ तो यूज़ करूँ भाई। ऐसे एंट्री नहीं होती, आई कार्ड दिखाना पड़ता है। मैं एल्यूमिनाई वाला आई कार्ड दिखाता हूँ तभी एंट्री होती है लाइब्रेरी या फिर CSC कहीं पर भी। अभी 4 बज गए हैं एंड 1.5 घंटा और पढ़ा मैं। अभी ख़त्म होने वाला है मेरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो मैं पेपर दूंगा आज, उसका 1 घंटे में हो जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा अब क्योंकि टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं। ज्योग्राफी भी पढ़ना है मेरे को एंड यार यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ IIT में कभी कभी बीच में, क्योंकि घर पर ना थोड़ा घुटन सी होती है यार, क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है एंड पता नहीं क्या मज़ा आता है, डीमोटिवेटेड फील होता है घर पर थोड़ा कभी कभी। तो यहाँ पर भाई फ्रेश सी एयर होती है, एकदम मज़ा आ जाता है। इकोनॉमिक्स ख़त्म होने के बाद ज्योग्राफी का भी कोई ऐसे ही टेस्ट देखूंगा एंड उसका सिलेबस ख़त्म करूंगा एंड घर पे जाके दूंगा सारे टेस्ट। तो भाई मैं लंच करने जा रहा हूँ, एकदम कोई और नया खुला है क्या कुछ खाने का, तो वहाँ जाऊंगा। मोटिवेशन भी मिलता है भाई, मोटिवेशन इसलिए मिलता है भाई लाइब्रेरी पूरी भरी रहती है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं एंड काफ़ी बच्चे UPSC की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एक तो, एंड जो कॉलेज का पढ़ रहे होते हैं उनको देख कर तो वैसे ही मोटिवेट हो जाता हूँ भाई। कॉलेज का कौन पढ़ता है एंड कोई भाई लाइब्रेरी में खेल भी रहा होता है उसको भी देख के मोटिवेटेड ही होता हूँ कि भाई देखो ये पढ़ नहीं रहा मैं पढ़ रहा हूँ। ये न्यू हॉस्टल है गाइस, ये बेस्ट हॉस्टल लगता है मेरे को, AC है इसमें एंड मेरी कैंटीन। गाइस ये IIT का हॉस्पिटल है एंड यहाँ पे एक बार क्या होता मेरे ना एक दिन में 3 टेस्ट थे, मतलब लगातार ही 3 टेस्ट थे, तो एक की मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा यहाँ पे हॉस्पिटल पे जाके वो लेके आ जाऊँगा लीव एप्लीकेशन। तो भाई पता नहीं डॉक्टर को कैसे पता चल गया कि भाई मेरे को तबीयत मेरी सही है, उसने मतलब वो समझ गया कि मैं टेस्ट नहीं देना चाहता इसलिए आया हूँ यहाँ पे एंड भाई उसने इंजेक्शन लगा दिया। मैंने कहा भाई कमज़ोरी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, उसने तो इंजेक्शन लगा दिया भाई मेरे। बताओ यार कैसे गंदे डॉक्टर है। वापिस जा रहा हूँ अब मैं, मेरा ज्योग्राफी पूरा नहीं हो पाया, अभी भी काफ़ी बचा है, विंड्स का पूरा बचा है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है यार टेस्ट का, मैं देख रहा हूँ दोनों का ही काफ़ी ज़्यादा था, इकोनॉमिक्स का भी और उसका भी। तो ये ख़त्म कर दूंगा घर जाके, 9 बजे तक करना है कुछ भी करके, 9 बजे तक जितना होगा उतना करूँगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का टेस्ट दूंगा एंड उसके बाद ज्योग्राफी का
एंड रस्ते में भाई मैं वन पीस का एपिसोड देखूंगा। आज संडे है तो आज आया होगा नया, तो मैंने डाउनलोड कर लिया था लाइब्रेरी में वो, आराम से भाई मेट्रो में देखता हो जाऊंगा। गाइस ये आर्डिपिथेकस है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये होमिनिन्स है। एंड भाई इतनी पीसफुल जगह से वापस आ गया हूँ अपने क्योटिक, भाई काफ़ी पीसफुल जगह है यार आईटी दिल्ली। सो आई एम बैक एट होम एंड नाउ इट्स 8:30 राइट नाउ। मैंने अपना डिनर भी कर लिया है एंड 8:23 हो रहे हैं अभी एग्जैक्टली, तो 8:30 तक ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वन पीस का एपिसोड तो देख लिया मैंने मेट्रो में, तो अभी आराम से लेटेंगे एंड 8:30 से ज्योग्राफी रिवाइज करूँगा एंड उसके बाद टेस्ट दूंगा। आज ही टेस्ट देने हैं दोनों यार, क्योंकि रिवीजन तो ढंग से नहीं हो पाया दोनों का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस थे, बट जितना हुआ मैं टेस्ट दे दूंगा, कुछ तो लिख ही दूंगा। मतलब एक एक घंटे का टेस्ट है तो हो जाएंगे 12 बजे से पहले आई गेस। थोड़ी और ज्योग्राफी रिवाइज कर लिया मैंने, अब टेस्ट दे रहा हूँ मैं, जितना हो गया हो गया। इकोनॉमिक्स का टेस्ट दूंगा पहले एंड उसके बाद अगर एनर्जी बचेगी तो ज्योग्राफी का भी दे दूंगा। तो गाइज अभी वॉक करने आया हूँ मैं, क्योंकि डॉक्टर ने आज बोला था कि 45 मिनट्स डेली वॉक करना है एटलीस्ट, एंड उन्होंने तो बोला था एक ही शिफ्ट में वॉक करना है 45 मिनट्स, तो अभी एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक करके जाऊँगा वापस से पढ़ने। अब हम खेल रहे हैं। Who knows each other better? ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है, बताओ मेरा फेवरेट एनीमे कौन सा है? एनीमे तेरा आईक्यू है। हॉबी तेरी पेंटिंग गलत है क्या? हाँ, डांसिंग या फिर प्लेइंग। हाँ डांसिंग भी हो सकती है यार। आजकल मैं फोन पे कौन सा गेम खेलता हूँ? पबजी का वो इंडर मर्जी गलत मिलेशिया गलत रॉकेट लीग स्वाइप स्वाइप मैं कैसे बता रहा है? ये गलत क्वेश्चन पूछा है। यही खेलता हूँ मैं आजकल। मेरा फेवरेट फूड कौन सा है जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ? तेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा। सही बोला। मेरे जूते का साइज कितना है? 10 और 11। सही बताया। चीटिंग कर रही है यार, बताओ यार, इतने बड़े होके भी चीटिंग करनी पड़ रही है। कोई यूट्यूबर्स कैसे कर लेते हैं? उनको पहले से सारी होती है। बताओ ऑर्गेनिक कंटेंट है उनका। तू मेरे किसी भी चार दोस्त का नाम बता। पाजी पगले टूट। गुड। चल भाई मेरे को लग रहा है ड्रॉ हो गया। वेल प्लेड ब्रदर।